एक क्वेश्चन है कि प्रकाश का तरंगदैर हवा में यदि 6000 एंगस्ट्रम है और यह प्रकाश जो है डेर अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है तो उस माध्यम का आवृत्ति बताना है हमें। तो देखिए, हवा की चाल हम भली भांति जानते हैं, 3×10^8 मीटर पर सेकंड। तरंगदैर यानी लेमडा दिया हुआ है, तो एंगस्ट्रम में दिया हुआ है तो हमें जो है मीटर में बदलना होगा। एंगस्ट्रम को मीटर में बदलने के लिए 10^-10 से गुना कर देते हैं तो वो मीटर में बदल जाता है। अब होता है देखिए, C बराबर V लेमडा, ये जो जनरल फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है V बराबर N लेमडा। तो भी प्रकाश का भी, देखिए सब के लिए वेग की जो है संकेत भी होता है, लेकिन प्रकाश के लिए स्पेशल वेग को जो है सी से सूचित किया जाता है, इसलिए V बराबर N लेमडा। एन यानी ये जो है ये यहाँ पर आवृत्ति को परिभाषित करेगा और ये भी जो है यहाँ पर प्रकाश की चाल को प्रभावित करेगा, इसीलिए एन बराबर हो जाएगा V बाय लेमडा। भी यानी प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल सी से भी सूचित करते हैं, इसीलिए एन बराबर C बाय लेमडा भी हो गया। उसके बाद सी का मान और लेमडा का मान रखने पर जो हमें प्राप्त हुआ 0.5×10^15 हर्ट्ज। देखिए, ये अपवर्तन की क्रिया से पहले का जो है हमें निकला आवृत्ति, लेकिन यहाँ पर एक रूल लगेगा, तो वो रूल क्या है, चूँकि अपवर्तन की क्रिया में जो है आवृत्ति हमेशा स्थिर रहती है, अपवर्तन की क्रिया में आवृत्ति जो है हमेशा स्थिर रहती है, वो बदलती नहीं है, इसीलिए जो डेर अपवर्तन वाले माध्यम में भी प्रकाश प्रवेश कर जाएगा तो इसकी आवृत्ति इतनी होगी 0.5×10^15 हर्ट्ज। तो आप समझ गए, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं, तो प्रैक्टिस कीजिए घर में बैठ के और टॉपर बनने का ख्वाब रखते रहिए।